Welcome to Rizvi's e-learning channel. Hello guys, good morning. I am Shabnam, assistant professor of Dr. Rizvi College of Engineering and Management. My subjects are employee relation and management, MBA third semester program. Aur iska jo code hai wo hai KMBN. सब्जेक्ट नेम है एम्प्लॉय रिलेशंस एंड लेबर लॉ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एम्प्लॉय रिलेशन लेबर लॉ में कि एम्प्लॉय रिलेशंस मैनेजमेंट टूल्स वहां तक क्लियर हो गया था। आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन। इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है? जैसे एम्प्लॉय रिलेशन में हम लोगों ने देखा था कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन डिस्ट्रीब्यूट कराता है, एम्प्लॉय एंड मैनेजर के बीच में, एम्प्लॉय एंड वी के बीच में, एंड एम्प्लॉय एंड सबॉर्डिनेट के बीच में। बट इंडस्ट्रियल रिलेशन जो होता है वो कोई एक सिंगल फर्म नहीं होती है, ये कई सारे फर्म मिलकर ही एक इंडस्ट्री बनाती है। तो उस फर्म में कई सारे उस इंडस्ट्री में कई सारे फर्म होते हैं, हर फर्म में अलग अलग एम्प्लॉय होते हैं, हर एम्प्लॉय के अपने अलग लेबर यूनियन होते हैं, ट्रेड यूनियन होते हैं, गवर्नमेंट होती है, गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल होती है, कोर्ट होता है एंड ट्रिब्यूनल होता है। ये सब चीज़ें मिलकर क्या क्या बताया मैंने, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर ये हम बताए आप इसमें ये कर लो कि इसमें क्या कर ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन, ठीक है, गवर्नमेंट, ये सारी चीजें मिलकर ही एक इंडस्ट्री बनाती है। क्या बनाती है? एक इंडस्ट्री बनाती है। एक इंडस्ट्री के बीच में कैसा रिलेशन होना चाहिए वो कहलाते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन में जैसे हम एक रिलेशन बना के काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का जो भी गोल होता है वो इजिली अचीव हो जाता है। इसमें क्या होता है, हर फॉर्म में उसमें क्या होता है, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है, अलग अलग उसमें प्रोडक्ट बनते हैं। यहाँ पे कई सारे फॉर्म सेम प्रोडक्ट पे काम करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है इंडस्ट्री। इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको। जैसे इसकी डिफिनेशन देखते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन की। इंडस्ट्रियल रिलेशन इज द कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन, कॉम्प्लेक्स इंटर रिलेशन बिटवीन, इसके किसके विषय में बताया था आपको, बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर रिलेशन, ठीक है, एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। लेबर इससे कौन और क्या होते हैं, मैंने बताया था ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन, और मैंने क्या बताया था आपको, ट्रेड एंड लेबर कौन हो जाते हैं उसको भी लिख सकते हो आप। मैंने बताया था लेबर यूनियन, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टेट, एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन on the stage.
देखा था किनके किनके बीच में होता है, क्या क्या मिलके एक इंडस्ट्री बनाती है। नेक्स्ट डिफिनेशन है एम्प्लॉई ग्रुप। इंडस्ट्रियल रिलेशन मींस इंडस्ट्रियल रिलेशन के होता है रिलेशनशिप बिटवीन आर स्टेक होल्डर, जितने भी उसमें इन्वॉल्व थे, जैसे हमारे एम्प्लॉयर हो गए, एम्प्लॉई हो गए, मैंने क्या कहा था वो तो ही कह रहा है। आप एक ही इंडस्ट्री ग्रुप कौन कौन से, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, एम्प्लॉय यूनियन या ट्रेडिनर। हर पहले नंबर पर बताया कि हर एम्प्लॉय की अपनी अपनी लेबर यूनियन होती है, वो हो सकती है कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। ये सब के बीच में एक रिलेशनशिप पैदा है इंडस्ट्रियल रिलेशन। क्लियर। सेकेंड टॉपिक, सेकेंड डिविजन है एक ऑर्डर किया है अकॉर्डिंग टू डॉगलस एमसी गॉर्डन। इन्होंने बहुत इजी डिफिनेशन दी थी, इन्होंने कहा था सिर्फ दो वर्ड यूज किया था, एक किया था कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिलेशनशिप दो तरीके से इस्टेब्लिश हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर कोऑपरेशन है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मीन्स कि वहाँ पे रिलेशनशिप इस्टेब्लिश है, अगर किसी रीजन से कॉन्फ्लिक्ट आ रहे थे मीन्स कि वहाँ पे रिलेशनशिप नहीं आती इस्टेब्लिश है। कॉन्फ्लिक्ट किस केस में हो सकते हैं कि वहाँ पे लोगों का ईगो, लोगों का एटीट्यूड या वहाँ का इन्वायरमेंट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। भाई क्या कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन आर टू स्टेट कंटिन्यूम ऑफ इंडस्ट्री ऑफ रिलेशन। दो इंडस्ट्रियल रिलेशन में दो कंटिन्यूम होते हैं, एक कॉन्फ्लिक्ट एंड एक कोऑपरेशन। क्लियर।